नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन साक्षी .in में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो जो आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, आज हमें इन्होंने अपना बायोडाटा भेजा है। इनका नाम विनीता साहू है। विनीता जी की उम्र 30 साल है और इन्होंने 12वीं क्लास तक पढ़ाई की है। विनीता जी सेकंड मैरिज के लिए रिश्ता देख रही हैं। पहली शादी में इनके हस्बैंड से तलाक हो चुका है और इनके कोई बच्चे वगैरह नहीं हैं। विनीता जी रहने वाली मध्य प्रदेश सीहोर ज़िले की हैं। आष्टा तहसील से हैं ये, और ये अभी घर पर ही रहती हैं, कोई नौकरी वगैरह नहीं करती हैं। इनका तलाक हो चुका है और इनके कोई बच्चे वगैरह नहीं हैं। ये अभी अपने मौसी जी के यहाँ रह रही हैं तलाक के बाद, क्योंकि इनके माता पिता वगैरह नहीं हैं और इनके भाई हैं जो वो इनसे ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं। इनका कहना था कि इनके पति इनके साथ मारपीट करते थे और दूसरी औरतों के साथ भी इनका संबंध था, जिस कारण से इनका तलाक हो गया और ये एक अच्छे जीवन साथी की, एक सच्चे जीवन साथी की तलाश कर रही हैं अपने लिए, जो इनका सम्मान कर सके और इनके साथ मारपीट ना करे। हिंदू जाति के इनको रिश्ते चलेंगे, वर की उम्र इनको 30 से 38 साल के बीच में चल जाएंगी। और इनका कहना है कि इनको ऐसे जीवन साथी की तलाश है जो इनका जीवन भर साथ दे, जिंदगी भर इनका साथ निभाए और इनके साथ मारपीट ना करे। जल्दी ये दूसरी शादी करना चाहती हैं। हिंदू जाति के इनको रिश्ते चलेंगे। अगर आप विधुर हैं, तलाकशुदा हैं और आपके बच्चे वगैरह हैं तो ये स्वीकार कर लेंगी। या आप अभी कुंवारे हैं, अनमैरिड हैं, आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है और आप विधवा लड़की से शादी करना आप तलाकशुदा लड़की से शादी करना चाहते हैं तो भी आप इनसे आगे की बात बढ़ा सकते हैं। अगर आपको इनका प्रोफाइल पसंद आया है तो ही आप इनसे संपर्क करें। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट jeevansakshi.in पर भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इनके जैसे लाखों प्रोफाइल मिल जाएंगे रिश्ते के लिए। और यदि आप विनीता जी से आगे की बात बढ़ाना चाहते हैं तो जो आप स्क्रीन पर कॉन्टेक्ट नंबर देख रहे हैं, इस पर आप मिस कॉल करें ताकि हम आपका बायोडाटा इन तक पहुँचा सकें और ये आपसे संपर्क करके आगे की बात बढ़ाएँ। अगर आपको विनीता जी का प्रोफाइल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही आप हमारे YouTube चैनल jeevansakshi.in को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए रिश्ते के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।